फ्राइडे इट इज देन 5:30 ना, चलो आई विल सी यू देयर, ठीक है बाय। तुमने पूछा ना अजीज से, मेरे मना करने के बावजूद वो गार्ड और ड्राइवर को छोड़कर क्यों चली गई थी? अब जाने भी देना, शी इज अ ग्रोन अप गर्ल एंड आवर डॉटर इज वेरी कॉन्फिडेंट। मगर हर दूसरे दिन वो गार्ड और ड्राइवर को छोड़कर अकेली चली जाती है, इसकी वजह तो मालूम होनी चाहिए ना हमें। अरे फुर्सत मिलते ही मैं उससे खुद बैठकर पूछ लूंगी, आप तो रिलैक्स करें, प्लीज सिट डाउन। शकूर मेरी कॉफी यहीं लेकर आ जाओ। इतना ज्यादा फिक्रमंद मत हुआ करें, वो बच्ची थोड़ी है अब। वैसे अजीब सी बात है, तुम्हारी बेटी तुम्हारी जैसी नहीं लगती। मैं आपकी इस बात को तन समझूं या आई शुड टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट? ये बात मुझे समझ नहीं आती, शादी के 30 साल गुजरने के बाद हर औरत अपने शौहर के हर जुमले को तंज क्यों समझने लगती है? तो आपका ये बात कहने से क्या मतलब था कि वो मेरी बेटी नहीं लगती? दरअसल कहना मैं ये चाह रहा था कि तुम इतनी वेल ड्रेस्ड हो, इतनी प्यारी दिखाई देती हो, रोज पार्टी करती हो या फिर किसी पार्टी में चली जाती हो, रेगुलर बेसिस पे ब्यूटी पार्लर जाती हो, और तुम्हारी बेटी होते हुए वो ऐसा कुछ भी नहीं करती। तो क्या मैंने रोका है उसे? आप अच्छी तरह जानते हैं कि आपकी बेटी में बाबा आदम के जमाने की कोई रूह बसती है। शी इज एन ओल्ड सोल। उसके वार्डरोब में बेशुमार बेहतरीन डिजाइनर्स के कपड़े मौजूद हैं, लेकिन वो उठा उठा कर मेड्स में तकसीम कर देती है। इफ शी चूजेस अ सिंपल लाइफ फॉर हरसेल्फ, तो मैं क्या कर सकती हूँ? यही तो परेशानी की बात है मेरे लिए। मैंने उसके लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता भी देख कर रखा हुआ। अरे प्रपोजल तो मेरी कजन साइमा भी अपने बेटे का लाने को तैयार है। वो भी देख लेंगे, जो सूटेबल रहेगा हम वहीं पर उसका रिश्ता करेंगे। खैर वो माने तब ना। तुम उसकी माँ हो, ऊंच नीच समझाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। चले फुर्सत मिलते ही I'll have a proper discussion with her. Let's see what happens then. That's better. आजो, मिल गए फूल। मिल गए मेरी पसंद वाले। ये लो मेरे रोमियो। थैंक यू। ये लो मेरी जूलियट। हम काफी टाइम से खाना खाने नहीं गए, क्यों ना आज तुम्हें 5-star होटल ले जाऊं, इस बहाने हमारी आउटिंग भी हो जाएगी। खैरियत तो है, कहाँ से आ रहे हैं पैसे? वैसे 5-star होटलों की बात हो रही है, पिछले हफ्ते सेमेस्टर की फीस देते वक्त शक्ल देखी थी किसी उतरी से, परेशान थे तुम वो। मैं एक बात बताओ, आज से पहले क्या तुम मुझे जानते नहीं थे? मुझे कौन सा 5-star होटल पसंद है? कोई भी नहीं। होटल कौन सा पसंद है? चाय का ढाबा या कड़क चाय मिलती है। बिल्कुल, तो फिर हम कहाँ जा रहे हैं? चाय के ढाबे 4 नंबर वाले। चलो ठीक है, चलो पहले वो जो ऊपर फूल है ना वो तोड़ के, अब तुम्हारी बारी। चलो चलो। अच्छा चलो आ जाओ।